भरतपुर के नदबई विधानसभा की उच्च चयन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना के निलंबन पर हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई अपील को चीफ जस्टिस की बेंच ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि उच्च चयन प्रधान हिमांशु अवाना ने निलंबन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिस पर अंतरिम आदेश देते हुए कोर्ट ने उनके निलंबन पर पिछले महीने रोक लगा दी थी। मामला फिलहाल सिंगल बेंच के समक्ष विचाराधीन है। राजस्थान सरकार की अपील पर चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और भुवन गोयल की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें सरकार की तरफ से एजी राजेंद्र प्रसाद ने दलील देते हुए कहा कि प्रधान के निलंबन आदेश में किसी तरह की वैधानिक खामी नहीं थी। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि निलंबन की कार्रवाई विधि के विपरीत है, जिसके खिलाफ प्रधान के अधिवक्ता ने दलील देते हुए कहा कि याचिका अभी विचाराधीन है और ऐसे में सिंगल बेंच ने विस्तृत तथ्यों के आधार पर अंतरिम आदेश से उन्हें संरक्षण दिया है। डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा है कि जनप्रतिनिधि एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं, ऐसे में उन्हें सामान्य व्यवहार में जांच जारी रखने के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता, जब तक कि ये मानने का पुख्ता आधार ना हो कि जाँच के लिए ऐसा जरूरी है। ऐसे में अपील खारिज की जाती है।